बहुत सारे आंसर गलत थे, इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ ये पास नहीं हो सकती। मैं जितना याद था ना तब जवाब दी थी हमने बहुजी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमसे तो लिखता ही नहीं बन रहा था, हम परीक्षा दे ही नहीं पाते अगर सागर नहीं होता तो। तुमने गंगा की हेल्प करी? हाँ, एन वक्त पर सागर आ गया एग्जामिनेशन हॉल में गंगा का प्रॉक्सी राइटर बनके। हाँ, सागर ने बचा लिया हमें। इसलिए आपने फोन पे कहा कि घर आके बताता हूँ। अरे वाह, बहुत बड़ा काम किया आज मेरे बेटे ने, तू तो बड़ा समझदार हो गया। माँ जी, समझ रही है ना आप, सागर की मदद से ये लड़की पास हो ही जाएगी, और अगर ये पास हो गई तो स्कूल जाएगी, स्कूल गई तो आपकी प्लानिंग फ्लॉप। अच्छा, आप खाना वाना खिलाने का मूड है या नहीं? हाँ हाँ, चलो चलो, तुम लोग को भूख लगी होगी, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, घर में सब लोग हैं, इसलिए बाहर आके बात कर रहा तुमसे। और बताओ कैसी हो तुम, मुझे याद कर रही हो ना? हाँ, मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। रियली? बताओ ना सलोन, मुझे याद कर रही हो ना? मिस यू टू। पुलके, किससे बात कर रहा है? सलील, मैं तुझसे कल बात करता हूँ। हाँ, गुड नाइट। सलील था फोन पर। कौन सलील? है एक मेरा क्लासमेट, उसका ही कोई जरूरी काम था इसलिए उसी ने फोन किया था। बेटा, अभी एग्जाम्स तो खत्म हो गए, अभी कौन सी जरूरी बात, और वो भी इतनी रात को। नए कोर्स की नोट्स चाहिए थी उसे, इसलिए उसी ने फोन किया था। ठीक है, तो वो बात तो अंदर भी हो सकती थी ना, बाहर क्या कर रहे थे उस वक्त? हवा अच्छी चल रही ना मम्मी यहाँ पे, इसलिए रूम में बहुत गर्मी है। अच्छा चल ठीक है, अब चल अंदर, बहुत रात हो गई, सोना भी है ना? हाँ। अरे सलील, कहा ना मैंने तुझसे कल बात करते हैं, गुड नाइट। ओके बाय। चला जा। बताइए ना कि क्या हुआ रिजल्ट गंगा, क्या हुआ, क्या आप ही बता दीजिए क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा फिक्र तो आप ही को है। इधर आ। तुम पास हो गई। सच्ची बाबू? एंट्रेंस टेस्ट में पास हो गई तुम। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना बाबू? बिल्कुल नहीं, और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, मुझे मायूस किया, बल्कि आज तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। 52% मार्क्स मिले तुम्हें, शाबाश।